हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोयल एसोसिएशन की रिगार्डिंग, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक स्पाइक दिया हुआ था। और यहाँ पे अगर आप मेरी गोयल एसोसिएशन की एक वीडियो मैंने बना रखी है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, मुझे याद है मैंने एक वीडियो बनाई और हमने जो टारगेट प्लान किया था कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वहाँ से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रिवर्सल भी दिया है। हम लोगों ने क्या प्लान किया था यहाँ में एग्जैक्टली यहाँ तक तो हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, राइट। हम लोगों ने प्लान किया था यहाँ तक कि 200 का जो मूविंग एवरेज है 2.25 से लेकर 2.30 तक हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक रिवर्सल भी दिखाया। हालांकि मार्केट 2.65 तक गई, बट इट्स ओके अगर हमने मान लो यहाँ पे कहीं बुकिंग की हुई है 1.5 रुपये के और हमें इतना मतलब 33-40% मिल रहा है, देन क्या बुरा, राइट। और अभी आपको पहली बात ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, अभी आपको इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो अभी जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक सपोर्ट है इसका 1.95 का सपोर्ट है। पहले मार्केट को 1.95 तक आ जाने दीजिए। अगर जिनने लोगों को बाय करना है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कब, जब 1.95 पे आ जाएगा। 1.95 पे सपोर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ 1.95 पे सपोर्ट कैसे है। वैसे बीच में हमें यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा। और यहाँ पे देखेंगे 50 मूविंग एवरेज है, प्लस और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइम है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम है, तो ये एक चीज़ हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ कहीं पे सपोर्ट प्लान किया है 1.95 पे। यहाँ तक हम लोग वेट करते हैं, अभी आने दीजिए मार्केट को, नीचे आने दो, इधर कहीं आने दो, यहाँ पे जैसे कोई बाइंग बनेगी फिर हम लोग यहाँ पे बाय प्लान करेंगे। अभी तो मार्केट जिस तरीके से आ रहा है, तो मार्केट ये गिर क्यों रहा है, पहली बात ऑब्वियसली ये गिरने का रीज़न ही है कि ये अभी अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा। अब सिंपल सी बात है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस से गिर रहा है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, तो मार्केट कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली सपोर्ट तक जाएगा, सपोर्ट से एक पुल बैक लेगा, फिर होगा, तो उस टाइप से मार्केट का एक फॉर्म होता है, उस टाइप से मार्केट प्लान करता है, राइट। उस टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बार बार मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट ने फिर नीचे आया है, फिर अगर आप देखेंगे तो फिर ऊपर गया है, फिर नीचे है, उस टाइप से हम लोग क्या करें, तो लेकिन अपने लोस को रिस्पेक्ट करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, मार्केट ने जब यहाँ से गया तो उस टाइप से पुल बैक लिया, लेकिन लोगों को क्या कर रिस्पेक्ट किया, मार्केट फिर गया और इस बार हाई को ब्रेक कर दिया, ध्यान से देखिए, फिर से नीचे है, फिर से अपने लोगों को रिस्पेक्ट किया और इस बार नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो हम लोग इधर कहीं मतलब 1.90 रुपये इधर कहीं हम लोग बाई कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ समथिंग, ठीक है। तो क्योंकि और इसका मैंने फाइनेंशियल भी आपको दिखाया था, फाइनेंशियल भी लास्ट टाइम से तो इसका अच्छा ही है, बाकी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा, बट लास्ट टाइम से इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा, जिसकी वजह से ये स्पाइक हमें देखने को मिला था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पैरा से बेल आइकन दिया होगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, जिससे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना पाए। एंड अगर आप किसी भी शेयर के रिगार्डिंग एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप तो भी अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक वाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी फंड निफ्टी आपको किसी में भी ट्रेड करना है तो आप इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। नई नई चीज़ें मार्केट में हमें सीखते रहने चाहिए और मार्केट में हमेशा अपडेट रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।